प्रभु ऊपर देखिए, वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। अब क्या? मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। मोदक। मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। नहीं, मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुँचता वहाँ तक। कितना परेशान कर देते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूं माँ, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद है। अच्छा नटखट। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे सरपट। हो मनमोहक
नाक मन भावन नटकट मूषक गण सब भागे सरपट विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश इतना ज्यादा शोर पार्वती आई उस ओर डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन गणेश ये क्या हो रहा है शोर मत मचाओ तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा जो आज्ञा माँ और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन प्रणाम आचार्य चिरंजीवी भव मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ क्षमा करे ऋषिवर वो योग साधना में लीन है आप उनके दर्शन नहीं कर सकते मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ उनके दर्शन करना अति आवश्यक है उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं आप फिर कभी पधारिए तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा यह असंभव है मुनिवर अरे नादान बालक तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें घोर अपमान आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में आगे मत बढ़िए बहुत साहसी है ना तू बालक अब मेरा प्रहार सहन कर प्रभु ये तो शिवजी का परशु है Ah!
परशुराम। क्षमा करे भोलेनाथ, क्षमा करे, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करे? माता पार्वती क्षमा दान दे, अवश्य नीतिवश मुझसे यह अपराध हुआ है, क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। बाल गणेश इस टूटे हुए दांत से कई महान कार्य करेंगे माते, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी, और वे एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे माते। इस एक दंत बाल गणेश को कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। क्या हुआ कर रहे हो? किसी का अंत नंदी को गुस्सा दिलाने को हमारे साथ करने हमेशा मार कर रहा हूँ। अरे नंदी महाराज, अब और कितना मारोगे? हमारी तो जान ही निकल गई है मार खा खा के। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। नंदी महाराज, हमें माफ कर दो, हमें उतारो यहाँ से, हमें माफ कर दो, हमें डर करो। पवन देव, आपकी ये दशा किसने की? मुझे सिर्फ नाम बताइए, मैं अभी उसे ठिकाने लगाता हूँ। आमला, आमला सुर। पवन देव, आप चिंता ना कीजिए, आप यहाँ विश्राम करें, मैं उसे देखता हूँ। वरुण देव, अग्निदेव, समझ में नहीं आ रहा।
अरे कोई उसका मुंह बंद करो, ये मुझे पागल कर देगा। अरे नहीं अगम, इसे इतनी आसानी से नहीं दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्या? कौन कौन मारेगा मुझे? नहीं तुम नहीं, तुम नहीं, तुम बोलो। हम सब। तुम मुझे मारोगे, तुम लोग। देखो मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे मारना असंभव है, मैं अमर हूँ। तुम फिर बोले। क्या बोला अब इसने? इसने बोला हमें पता है कि तुम अमर हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये सब तुम्हारा भ्रम है। हमें सिर्फ इतना बताओ, तुम आसानी से मरना चाहते हो या दौड़ दौड़ कर? तुम लोग मुझे मारोगे, तुम लोग। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारो। क्या हुआ आमला सुर? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तथास्तु। तुम लोग मुझे मारोगे? तुम लोग, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं अभी तुम लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। आमलासुर, तुम्हारा सर्वनाश मेरे ही हाथों लिखा है। शांति नहीं हो रही, इस तरह तो ये सारी सृष्टि का विनाश कर देगा। जैसे अग्निदेव ने कहा था, लगता है अब मुझे वही करना पड़ेगा। बाल गणेश, अब और कितना दौड़ाओगे? मुझे आप नहीं मार सकते, मैं अमर हूँ। देखो आमलासुर, जैसा अगम ने कहा वैसे मैं तुम्हें और दौड़ाने वाला था, पर अब मुझे भूख लगी है और तुम हो कि मरते ही नहीं। चलो अब हम ये खेल खत्म करते हैं, ताकि मैं घर जाके आराम से माँ के हाथ का खाना खा सकूं। मैं अमर हूँ बाल गणेश, तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे पता है, अग्निदेव ने मुझे सब बताया है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो फिर? नहीं, बाल गणेश, नहीं। अमलासुर को खाके कुछ मजा नहीं आया। उफ,
ऊपर थोड़ी जलन हो रही है पेट में। घर जाना होगा माँ के पास। अरे कोई कुछ करो, मेरा पेट तो बहुत जल रहा है, जल्दी करो। प्रभु जल्दी कुछ कीजिए, मैं बाल गणेश को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। सारे प्रयोग कर लिए हैं हमने, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। मुनिवर आप सब लोग यहाँ? हमें बाल गणेश की पीड़ा का पता चला, हम सब शीघ्र ही यहाँ चले आए। प्रभु ये दुर्वा है और इससे आपको शांति मिलेगी और अच्छा महसूस होगा। मुनिवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल गणेश आपने पूरी सृष्टि को बचाया है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। बाल गणेश की जय। मुनिवर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं ये आह्वान करता हूँ कि बाल गणेश की पूजा दुर्वा के बिना अनिवार्य होगी। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय। असुर राज, वही रुक जाओ कटकासुर, जिस विघ्नासुर से तीनों लोग डरते हैं, उस विघ्नासुर का सिपाही किसके भय से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है? असुर राज ये भय नहीं है, ये क्रोध है। महर्षि अर्जुन ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, वो पूरा हवन कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे? कानासुर, सिंहासुर, क्या है सुराज? तुम दोनों भाई इसी समय महर्षि अर्जुन के आश्रम में जाओ और उन्हें ऐसे मृत्यु दो जिसके उपरांत तीनों लोकों में हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। जो मेरे असुरों की ऐसी हालत करे। असुरराज आप आज्ञा दे तो इसी समय महर्षि अर्जुन का सर काट के आपके पैरों में चढ़ावा चढ़ा देता हूँ। नहीं कनकासुर, मेरे सेनापतियों को मारकर उस महर्षि ने मुझे चुनौती दी है जिसे मुझे ही स्वीकार करना होगा। जैसी असुरराज की इच्छा, किंतु इन दोनों की दशा देखकर मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। असुरराज हो सकता है कि क्या? क्षमा असुरराज। क्षमा की आवश्यकता नहीं है कनकासुर, हमारे अस्त्र शस्त्र तैयार करवाइए। पता नहीं कौन सा बवंडर है ये जिसने आ, 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 आ,
ये लीजिए। अरे बस 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 कीजिए पार्वती, और कितना खिलाएंगे आप? क्या आपको मेरे हाथ की रसोई अच्छी नहीं लगती? आप जैसी रसोई तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता पार्वती। पता नहीं ये बाल गणेश अब तक क्यों नहीं आया, आज तो ढेर सारे मोदक बनाए हैं मैंने उसके लिए। उन्हें आने में अभी समय है पार्वती। अर्थात? अर्थात आपके पुत्र को हमने मानवता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है, उसे कहीं कुछ हो गया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। पार्वती, आपके पुत्र बाल गणेश सृष्टि का आरंभ है, उन्हें कुछ होने का अर्थ यानी सृष्टि का अंत। अर्थात? आप अर्थात बहुत पूछती हैं पार्वती। वो ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम गम गणपतेय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय। धूर्त महर्षि, यदि जीवन प्रिय है तो रोक दे इस हवन को, अन्यथा इस आश्रम के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धूल में मिला दूंगा। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। बग्गम? प्रभु, अग्गम बोल रहा है कि समस्या गंभीर होती जा रही है, आपको महर्षि की रक्षा हेतु जाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर फल खाओ बग्गम, इतनी स्वादिष्ट फल छोड़कर कोई मूर्ख ही जाएगा यहाँ से। ओम भूर्भुव स्वाहा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा रोक दो यह हवन। शिवाय स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। आदरणीय ऋषिजन और शिष्यों, आप इस हवन को बंद ना होने देना। जो आज्ञा महर्षि। ओम भूर्भुव स्वाहा। ओम महर्षि, हवन को बंद किए बिना मेरे पास आने का अर्थ समझते हो? मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है असुरराज, किंतु यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ और भविष्य में यहाँ मुड़कर भी मत देखना। ऐसा कहकर तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है महर्षि, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुप जाओ असुरराज। हाँ, तुम कौन हो बालक और यह सब कौन है? तुम कैसे असुरराज हो विघ्नासुर, जो बाल गणेश के बारे में नहीं जानते? ये महापराक्रमी बाल गणेश हैं और हम इनके सखा। ये अग्गम, ये बग्गम, ये नंदी और मैं, प्रभु के प्रिय वाहन मूषक राज। मूषक हो या विदूषक, जीवित रहना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ की गोद में छुप जाओ। असुरराज, इस प्रकार की अभद्र भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती, अपनी शक्तियों को समाज कल्याण में लगाइए। क्यों व्यर्थ हत्याएं करते रहते हो? मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा बालक। कौन है यहाँ जो मुझे रोकेगा? मैं तुम्हें रोकूंगा विघ्नासुर, मैं तुम्हारी बुराई का विनाश करूंगा। धरती से अभी छटाक भर बाहर नहीं निकले हो बाल गणेश, और असुर राज को मारने की बात करते हो? यदि है बल तुम्हारी बाजुओं में तो आओ, मारो मुझे, मारो। अब इसका क्या होगा? क्यों क्यों क्या हुआ? होना क्या है असुर राज,
तुम गए काम से। असुर राज, जब कभी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगा तो मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तथास्तु। अभी भी समय है विघ्नासुर, यदि तुम अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाने का वचन दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मायावी बालक, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो तुझे तेरे परिवार सहित इसी स्थान पर जीवित काट दूंगा। बड़े तो हो गए हो तुम वसुर राज, पर बुद्धि नहीं आई। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है विघ्नासुर। नहीं। विघ्नासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बाल गणेश। आज से आप विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाएंगे। विघ्नहर्ता बाल गणेश की जय। महर्षि, ये जय तो ठीक है, किंतु यदि आपके आश्रम में खाने को मोदक है तो कृपया जल्दी से ले आइए, बहुत भूख लगी है। मूषक, नंदी, ब्रिंगी, अगम, बगम, सभी दम लगाकर दौड़ो। जो जीतेगा उसे मैं प्रतिदिन 5 लड्डू दूंगा। दौड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी अगम? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके रहते हैं। सही पकड़ा है तुमने नंदी। मैंने भी सही पकड़ा है इसे। ये तूने सही नहीं किया दुष्टासुर, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम? ये तो तुम्हें बग्गम ही बताएगा। शांत बग्गम, शांत। प्रभु, बग्गम अगम को मुसीबत में देखकर गुस्से में क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। अगम और बग्गम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। हे
मेरी मुर्गियों का पीछा कब छोड़ोगे? भागो! जाओ शैतानों, रुको! वाह, सब्जियां देखकर मुंह में पानी आ गया मित्र। तो सोच क्या रहे हो? आराम करो। अब तुम अपना कार्य आरंभ करो। अगम और बगम अपनी शक्तियों के साथ बड़े प्यार से जीवन जी रहे थे, किंतु उनके माता पिता के बीच महादेव के बड़े भक्त होने की होड़ लग गई और दोनों परिवार एक दूसरे के शत्रु हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के माता पिता ने उन निष्पाप बाल मन में एक दूसरे के प्रति विष भर दिया। बोलो, रहोगे ना उससे दूर? जी पिताजी। चेतावनी है तुम्हें, आज के बाद तुम बग्गम से नहीं मिलोगे। जी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बग्गम। मैं संध्या काल में मैदान में आऊंगा, तुम मिलोगे ना मुझे वहाँ? तुम्हारे पिताजी ने सही नहीं किया अगम, वो मेरे पिता से बड़े महादेव भक्त नहीं है, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। अगम। इसी बीच असुरों की सेना ने गांव पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया, फिर क्या हुआ प्रभु? चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। मेरे समीप मत आना, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। बग्गम सुनो, बचाना चाहते हो? क्यों अगम? क्योंकि तुम मेरे अपने हो। नहीं,
अगम तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगम तुम ठीक हो ना? घायल अगम को बग्गम वैतराज के पास ले गया, जहां पूरे एक मास तक अगम का इलाज हुआ। और उस एक मास में बग्गम ने दिन रात अगम की सेवा की, उसकी कही हर बात का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वो अगम की नई भाषा सीख गया। मुझे क्षमा कर दो अगम, मेरी वजह से तुम्हारी जीवा को। और इस प्रकार अगम का निस्वार्थ प्रेम भाव देखकर बग्गम आत्मिक रूप से उसके साथ जुड़ गया। और तभी से अगम को मुसीबत में देखकर वो क्रोध में आ जाता है। उन दोनों की दुखद कहानी सुनने के उपरांत हम आत्मग्लानी हो रहे हैं प्रभु। ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है मूषक, मित्रों के हास परिहास मित्रता को बल प्रदान करता है। आप सही कह रहे हैं प्रभु, किंतु हमें अगम बग्गम से अपने व्यवहार की क्षमा मांगनी होगी, तभी हमें हमारी आत्मग्लानी से मुक्ति मिलेगी प्रभु। लो आ गए वो दोनों, मांग लो क्षमा। गुस्सा दिला रहा है, तुझे पता है ना, अगर उसे गुस्सा आ गया तो। शांत हो जाओ नंदी, शांत। आज बड़ा मजा आया, चलो अब नहाते हैं। परंतु प्रभु, तालाब का पानी तो ठंडा होगा ना? तो क्या हुआ, ठंडे पानी में तो और भी मजा आएगा। परंतु मैं तो एकदम साफ हूँ। अगम बिल्कुल सही, अब तो मूषक महाराज को नहाना ही पड़ेगा। Yeah!
प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? प्रभु मूषक को तैरना नहीं आता ना, इसीलिए यहाँ से निकलने की युक्ति ढूंढ रहा है। प्रभु मत्स्यासुर नदी है, इसे दूषित करके तूने घोर अपराध किया है। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बालक शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझ में कितनी असीम शक्तियाँ हैं। मैं तो तुम्हें एक पल में ही मार सकता हूँ। मैं यहाँ से जाने को नहीं परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा होता। मत्स्यासुर! अरे बालक तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। मूषक, तुम्हारे जैसा मित्र और बाल गणेश के खास चहीते को शत शत प्रणाम। ये जानते हुए कि तुम्हें तैरना नहीं आता फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए तुमने पानी में छलांग लगाई। चिंता मत करो मूषक। परंतु माँ आपने उसे नहीं देखा, वो राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा तो क्या हमारा गणेश कम है? वो भी तो शक्तिशाली है। Thank you.
मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, तो इतने समय तक पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हे बाल गणेश, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। आप आ गए स्वामी। प्रसाद। रानी इंदुमती, हमें तो ये समझ नहीं आता कि हम जैसे रूपवान पति को छोड़कर आपका मन इस मोटी तोंद और लंबी नाक वाले में कैसे लगता है। हम राजा चित्रंगद हैं। हमारे जैसा कोई रूपवान राजन मैं। हम शिकार करने जा रहे हैं जंगल में। हे बाल गणेश, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपा करके अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। सही कहा अगम, नंदी को जब देखो तब गुस्सा आ जाता है। कितना गुस्सैल है वो, और गुस्से में उसकी शक्ल एकदम भयानक हो जाती है। अरे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डर जाएं उसकी डरावनी शक्ल देखकर। क्या? अरे नहीं, अकेले नहीं, हम दोनों मिलके नंदी को ऐसा सबक सिखाएंगे वो रोज हमें इसी तरह से मालिश करेगा। अरे सेवक, इतनी जोर से नहीं, धीरे धीरे। क्या तुम्हारे शरीर में नंदी की आत्मा आ गई है क्या? नंदी तुम नहीं, वो तो हम तो। मैं डराने की चीज हूँ? अब तुम दोनों को डराता हूँ मैं। रुक, तेरा मैं निकालता हूँ। अरे नंदी, क्या हुआ तुम्हें? इतने चिंतित क्यों हो? क्या फिर से तुम्हें अगम और बगम ने परेशान किया? नहीं प्रभु, अगम और बगम से मैं परेशान नहीं हूँ। इनको ठीक करना मुझे आता है। मैं परेशान हूँ राजा चित्रंगद से। प्रभु, वो हमेशा आपके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। आप कुछ कीजिए प्रभु। आपको तो पता ही है रानी इंदुमती आपकी कितनी बड़ी भक्त है। शांत नंदी, शांत। राजा चित्रंगद का रूप ही उसे धर्म संकट में डाल देगा। सामने आओ। लो, मैं सामने आ गई। बोलो। वो मैं शिकार यहाँ फंस गया। महल जाने का रास्ता बताएंगी आप? राजा चित्रंगद हो ना तुम, रूप के धनवान। सोचती हूँ तुमसे शादी कर लूँ, फिर हम दोनों मिलके शिकार करेंगे और गुम होने की समस्या ही खत्म, क्योंकि ये जंगल मेरा है।
यहाँ की हर चीज मेरी गुलाम है। ये तो राक्षसनी का जंगल है और महाराज तो अंदर घोर जंगल में चले गए हैं। हमें रानी को बताना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। प्रभु ये क्या हो गया, मेरे पति को राक्षसनी ने, नहीं नहीं, मुझे प्रभु से मदद मांगनी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। कुरुमदेव, ओहो प्रभु, ये श्लोक कितने कठिन हैं। मूषक, श्लोक कठिन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कठिन है। प्रभु, प्रभु, प्रभु। अरे नंदी, क्या हुआ? राजा चित्रंगद को राक्षसनी ने पकड़ लिया है और उससे विवाह करना चाहती है, और यदि राजा ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। आखिर राजा के इस रूपवान शरीर ने उसे धर्म संकट में डाल ही दिया। चलो मूषक, आज की पढ़ाई खत्म, चलो आज उस राक्षसनी को पाठ पढ़ाते हैं। मान जाओ राजा, शादी कर लो मुझसे, ये तेल तुम्हें मार डालेगा और फिर लोग मुझे ही बदनाम करेंगे कि मैंने तुम्हें मारा। बड़ी जल्दी है तुम्हें विवाह करने की राक्षसनी। तुम लोग कौन हो? अच्छा, पंडित हो, मेरी शादी करवाने आए हो। राक्षसनी, राजा को छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे? मुझसे तो दुनिया डरती है और तुम मुझे डराने चले हो। मत भूलो, ये मेरा जंगल है और यहाँ मेरा राज है, यहाँ की पत्तियाँ भी मेरी दासी हैं। चलो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने करने आया हूँ। पकड़ लो इन सबको और मार डालो। देखा तुम्हारे साथियों का क्या हाल किया मैंने? तुम्हारी इच्छा तो बहुत हो रही होगी मुझे मारने की, मुझे डराने की। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम मुझे मारो, मुझे डराओ। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं राक्षसिनी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तथास्तु। क्या तथास्तु? डराने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। माफ कर दो,
मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ इस पृथ्वी पर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। चली जाओ और वापस कभी मत आना। बाल गणेश, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सौंदर्य में इतना पागल हो गया था कि मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु, मैंने आपको भी भला बुरा कहा, मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। बाल गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पति की जान बचाई। बाल गणेश, मैं हमेशा रानी को टोकता था आपकी पूजा करने से, लेकिन आज इसकी श्रद्धा की वजह से ही मेरी जान बची है। आज के बाद सिर्फ रानी ही नहीं, रोज हम दोनों आपकी पूजा करेंगे। राजा, मुझे खुशी है कि अब तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड नहीं है। तुम्हारी पत्नी के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप तुम आज सकुशल निकल पाए हो।